नी हाँ दोस्तों, हेलो। आज थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ वीडियो शुरू हो रहा है। आज मैंने वीडियो की शुरुआत चाइनीज में हेलो बोल के की है। जो कि पकड़ी जाओगी। और आज मैंने साड़ी, थोड़ा सा हैवी साड़ी पहना है। आज मैंने वीडियो में थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा अलग से, थोड़ा वेलकम वेलकम करते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। जैसा कि टाइम देख लिया है आपने, आज सुबह से वीडियो शुरू नहीं किया, अभी किया। साड़ी कैसी लगी? पीछे चलो थोड़ा पीछे। हाँ, साड़ी कैसी लगी आप लोग बताइए कमेंट। ब्यूटीफुल। और वीडियो की शुरुआत हो रही नैन्सी, क्या तबीयत खराब थी? बुखार हुआ था, सर में दर्द। पंखा मेरा बिगड़ गया, क्या बोलूं, होती तो ऐसी सफाई होती है। आज इसको मैंने सोचा पोछ दूं, जैसे ही पोछने लगी वैसे ही पोछा तो उसके बाद चल रहा था, और अचानक से फिर पूजा करने लगी, बंद किया तो चला ही नहीं। मुझे आता नहीं इसको सही करना, मैं क्या करूं। चलते दे दिया इनको मैंने। अभी कपड़े वगैरह नहीं डाली हूँ, तो आप लोग को मेरा लुक कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज कटिंग वाला ब्लाउज पहने हूँ, क्या बोलूँ। 500 रुपये इसकी सिलाई लगी थी, 500। ये ऐसे भी है 100 पीस के लिए। वो इतना पछता रही हूँ ये ब्लाउज सिला के कि क्या ही बोलूँ। पसंद नहीं है बिल्कुल भी ऐसे ब्लाउज, पता नहीं कैसे सिला लिया। 500 सिलाई लिए थे, डोरी का अलग से पैसा मांग रहे थे, कह रहे थे डोरी का अलग से दीजिए 50 रुपये। और इस ब्लाउज को मैं पहनती हूँ तो मुझे इतना बुरा लगता है कि आज भी, मतलब ऐसा लगता है कि क्या सोच के मैंने ये सिलाया था, इतना गुस्सा आती है। सो अभी 1 बजने वाले हैं, दाल चावल बना रही हूँ। सुबह में पराठे नाश्ते के लिए बनाया था, बहुत सारे पराठे नाश्ते के लिए बना दिए थे, आलू के पराठे। आज सब्जी कुछ नहीं थी तो मनोज तिवारी को भी वही पराठे दिए हैं बना के लंच में, और अचार ले गए हैं, दही ले गए हैं। अभी दाल चावल बना रही हूँ खटाई डाल के, जो मेरी फ्रेंड ने भेजा था, मुझे खटाई वाली दाल बहुत पसंद है तो वही डाल के बना रही हूँ। अब शाम को जाऊँगी सब्जी लेने, इस टाइम नहीं जाऊँगी। आज ये स्कूल नहीं गई हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कहाँ गई हैं, बैठी हुई हैं। वो साड़ी मेरी, आज मैंने ऐसी साड़ी भी पहनी थी। साड़ी बहुत हल्की है, ये बहुत पतली साड़ी है, और इसके बॉर्डर है ये भी हल्के हैं, भारी नहीं है। पर ब्लाउज इतना घटिया लग रहा है, मैं इसको चेंज करने जा रही हूँ। तो दाल चावल सादा ही बनाऊँगी, तड़के वाला फ्राई नहीं करूँगी, सिंपल वाला। वीडियो में रहिएगा सब लोग, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हैं, और रोज़ आया करिए मेरे वीडियो में सब लोग, अच्छा लगता है। सही कर दिया मैंने। तुम बेचारी क्या करती? नहीं तो क्या सिक्का अलग देना है, बहुत सारा है। कुछ लोग का तो सिर्फ 5 नंबर आता है, बूंदी नमकीन। ये सिरका है, सिरका, अरहर की दाल, खटाई विद खटाई विद सिरका, राइस, और एक आलू का पराठा, और चटनी नहीं है, चटनी तो नहीं है, चटनी हाँ नैन्सी बहुत उदास है, 2:30 बजे से यहाँ लाइट नहीं आ रही, 5 बज गया,
वो यही बालकनी में झूल रहे हैं हम लोग, बैठे हुए हैं, थोड़ी हवा चल रही है तो राहत है, नहीं तो पागल ही हो जाए। पता नहीं क्यों इतनी लंबी लाइट कटी है, अब पता नहीं क्यों लाइट नहीं आ रही, इतनी लंबी कटौती यहाँ होती नहीं, पर पता नहीं क्या हुआ है। कुछ बोलना चाहोगी? पाँच बज गया, 2:30 बजे से लाइट नहीं आ रही है, 2:30 बजे से यहीं बैठी हुई हूँ। कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्यों लाइट नहीं आ रही है, क्या हुआ है। गर्मी तो उतनी ज़्यादा नहीं लग रही, हवा चल रही है, पर यहीं बैठी हुई हूँ। चाय भी अभी नहीं बनी, लाइट नहीं आ रही तो इसकी वजह से चाय भी नहीं बन रही है। सब लोग उलझ रहे हैं, वो अंदर वहाँ पर वो कर रहे हैं। आज सुबह से वीडियो में कुछ अभी तक इस टाइम तक कभी कुछ शेयर नहीं हुआ ज़्यादा, अब शाम तक देखती हूँ अभी रात तक क्या होता है क्या नहीं। हमेशा उधर मुँह हो जाता है, कैमरा यहाँ पे रहता है और मुँह उधर कर लेते हैं, मतलब बोलना इधर चाहिए तो उधर देखने लगते हैं। तो यहीं बैठी हूँ पानी की बोतल वोटल ले के, गर्मी लग रही है, ठंडा पानी भी पी रही हूँ, थोड़ी थोड़ी हवा भी ले रही हूँ, क्या करूँ। कभी इतनी लंबी लाइट कटती नहीं, पता नहीं क्यों आज किस लिए काट दिया। मंडी जा रही हूँ सब्जी लेने, ऑटो देख रही हूँ, अभी सब्जी मंडी जा रही हूँ, बैटरी वाला रिक्शा इंतजार करी हूँ। आज आज तो जाऊँ, नैन्सी नहीं आई है, अकेली आई हूँ, यही पास ही में, दूर नहीं है ज़्यादा। कोई बैटरी वाला रिक्शा मिल जाएगा, बैठ चल गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बैटरी रिक्शा एक भी नहीं दिख रहे हैं, खाली वाले। उधर कोई जाता भी नहीं जल्दी, देख रही हूँ बस। सो गाइस, यहाँ पे गणेश जी का विसर्जन हो रहा था, मतलब कि लेके जा रहे थे, तो मैं सब्जी लेने जा रही थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाया था, म्यूजिक बज रहा था, इसकी वजह से मैं वॉइस दे रही हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। सोया कहाँ है? सोया 20 का 100 ग्राम लेने आए थे, फंस गई बहुत बुरी तरीके से, इतना बुरा जाम लगा यहाँ पे। आज गणेश विसर्जन हर जगह पे हो रहा है, तो उसकी वजह से जगह जगह जाम लगा हुआ है। एवरीवन, तो अभी कितने बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है, भूल गई, 6:30 हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं। आज मेरी चाय थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा लेट है, शाम वाली चाय, मैं 4 से 4:30 बजे चाय पी लेती हूँ शाम वाली। आज लाइट नहीं आ रही है, अभी आ गई, नहीं आ रही थी उस टाइम, और जब लाइट नहीं आती तो गर्मी लगती तो चाय कम मन करता है पीने का। अदरवाइज़ सुबह से रात तक मेरी कम से कम 8-9 चाय हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी थोड़ी। तो अभी दूध आया, दूध भी नहीं था तो अभी आया है, तो चाय मेरी डन हो रही। चाय की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैं बना रही हूँ, और मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ कि एक ही बार में सब लोग के लिए हो जाए, दोबारा से ना बनाना पड़े इसकी वजह से। हाँ, नैन्सी मेरी हेल्प कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, रात का चाय का बर्तन था वो धो रही थी, पूजा वूजा कर चुकी हैं, टीका भी लगाई हैं। तो आज मैं नैन्सी के लिए भुट्टा लाई हूँ, नैन्सी की डिमांड पे लेके आई हूँ, नैन्सी को पसंद है। कई दिनों से बोल रही थी नैन्सी की मम्मी जाइए तो मंडी को भुट्टा लाइएगा, तो 3 भुट्टे लाई हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, 20 रुपए के 3, इनको मैं भून रही हूँ। नमक ये नींबू भी लगे, इसमें नमक लगा के तुम खाना है ना, तुम कुछ बोलोगी? क्या ही करती रहती हो, जब भी बोलो ही कर दोगी, बस बहुत तेज आवाज आएगी,
कौन नहीं बनता इसका, ये टीवी की आवाज बहुत तेज है बोलू भैया आवाज, इसका पॉपकॉर्न थोड़ी बनता है, इसी का बनता है, नहीं अभी थोड़ी, हाँ ऐसे नहीं बनता। जब भी मैं वीडियो में आती हूँ तो मुझे टाइम देखना पड़ता है, और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है। हाँ सब लोग बोलते हैं ये लड़का पूरे दिन लेटा रहता है, सब लोग वीडियो में बोलते हैं कि गोलू पूरे दिन लेटा रहता है, सभी लोग ऑलमोस्ट सभी लोग दूसरा रूम मिल जाएगा तो फिर नहीं लेटो, मुझे वहाँ वाला कमरा चाहिए। हाँ तो वहाँ नाचेगा, एक कमरा में बैठा रहूँगा, एक कमरा इसको अलग से मिल जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मतलब दो रूम वाला लेने की, शिफ्ट होने की, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी खाली नहीं है, मतलब साफ वाफ करवा रहे हैं, पुताई वगैरह करवा रहे हैं, तो सफ़ेदी वगैरह हो रही है, तो लेंगे अप्रैल तक, अभी नहीं, अभी कोई वहाँ पे मतलब 2-3 महीने के लिए कश्मीर वाले लोग आते हैं तो उनको दिए हैं, वो लोग एडवांस वगैरह दे चुके हैं, तो वही बोल रहे थे कि अभी रुक जाइए कुछ दिन, आप फिर शिफ्ट हो जाइएगा, तो देख रहे हैं अभी, ये अभी से सोच रहे हैं कि अभी सिर्फ अभी जैसे मैं वीडियो बनाने लगी ये बैठ गया उठ के, और नैन्सी मेहंदी लगा रही है, आज फिर मेहंदी लगाने लगी, दिखाओ ये मेहंदी लगा रही है, और मैं चली अब किचन में रात के खाने में, गई थी सब्जी लेने, इतनी बुरी तरीके से वहाँ फंस गई थी मंडी में, एक्चुअली गणेश विसर्जन हर जगह हो रहा है ना, तो उसकी वजह से हर जगह इतना ज़्यादा जाम लग जा रहा है, हर जगह ट्रैफिक, बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के आई, काफ़ी टाइम लग गया, मतलब पैदल चलने में भी जाम, मतलब हर जगह गाड़ी इतनी सारी खड़ी, वहाँ पे सब डांस वगैरह कर रहे थे, थोड़ा सा मैंने वीडियो भी बनाया, डर भी लग रहा था कि कोई मंडी में मोबाइल लेके ना भाग जाए, तो अभी चल रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाऊँगी, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया कि दोपहर के, आज सब्जी लेके आई तो आज के बाद बहुत जल्दी हिम्मत नहीं कोई भी नहीं जा रही थी, क्योंकि आज इतनी बुरी तरीके से फंसी थी, मैं नहीं बना सकती, क्या चावल है ये बना के रोटी बना दो, सुबह इनके लेट भी होंगे, सुबह तक नहीं खराब हो गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, बंद करो।